और कितना इंतजार कराओगे, आ भी जाओ ना। ओ भाई शुक्र है। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी जान, बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब मेरी बारी है बॉम्ब ब्लास्ट करने की। कितनी परेशान थी, फिर पता चला कि तुम अपने घर गए हुए हो। क्यों गए थे वहां? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था इसलिए चला गया था। अब वापस आ गए हो तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ। अब क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दोबारा उस घर में कुछ वक्त के लिए जाऊं। हम दोबारा वहां जाके क्या करेंगे? हम वहां मिलके मेरी बर्थडे मनाएंगे। तुम्हारा बर्थडे है? फजूल चीजों में इतना बिजी हो गए कि ये याद ही नहीं रहा। प्लीज यालन, मुझसे नाराज नहीं होना, मुझे माफ कर देना। अच्छा चलो, मुझसे कहो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। I'm so sorry, sorry मेरी जान। मेरी सालगिरह भूल गई कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा उन सब चीजों में उलझने की वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। तुम भी ताने देने से बाज नहीं आते। जो कुछ भी होना तो हो गया ना, और मैंने अब तुमसे वादा किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का? बिल्कुल, यकीन है ना तुम्हें? यार यालन, आई यालन, यालन कोई देख लेगा हमें। यालन क्यों ना आज ऑफिस के बजाय हम दोनों कहीं बाहर चले। चलो ना। अच्छा चलो ये बताओ कि और कौन कौन होगा वहां पर? डेफने, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? गुड मॉर्निंग सोमन। ओह यालन सर, आ ही गए आप आखिर। हाँ सोमगल, मैंने सोचा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। वैसे मैं हर चीज के लिए दिल से तैयार हूँ सर। दादी कहती हैं सच्चे इंसान की कदर करने वाले लोग नहीं होते। सोंगल, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जल्दी जाओ। ब्लैक कॉफी। कसम से हद होती है। बात सुनो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे मिस डेफने, आपके बॉयफ्रेंड को बीमारी है एटीट्यूड की। और दूसरी बात, सारा काम डिस्टर्ब होके रह गया है, ऐसे नहीं चलता ऑफिस। खैर मुझे क्या, मैं तो चली अपनी कॉफी बनाने, लेकिन आप मेरी बातों को जरा गौर से सोचिएगा। ओहो, ये बताओ कि यशिम आई है? आप जाकर खुद देख लें। हाँ